भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें, एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुंकु से गिला कर स्वस्तिक का निर्माण कर, स्वस्तिक का निर्माण कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का क्वाइन नहीं हो, तो अपने घर का एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो क्वाइन ले लें महाराज, उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें, आटे के सात दिए बनाएं, एक थाली में एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगाएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी, लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे महाराज। घी के दिए लगा दें साथ, सातों दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें, एक दिया तेल का लगा लें, तेल का जो दिया लगाया है जहां पर आपने सिक्का रखा है, क्वाइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें, और जो सात दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड हो गया, आपका उल्टा हाथ, वहां पर सातों दिए जो आपने प्रज्वलित करे हैं वो प्लेट में रख दें। सुंदर थाली जो आपने पूजन की तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अभीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रख लें, जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो क्वाइन चांदी का और देसी क्वाइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का। महाराज क्वाइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों क्वाइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी क्वाइन है उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दे, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है, एक दो पांच दस का जो सिक्का रखा है उसको लपेट, थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिंगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो दो सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें, साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते हैं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहे, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहे, चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज सात सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले कलर की बेल चलती है, पीली, उसमें पत्ते नहीं होते, वो किसी भी वृक्ष पर डली रहती, वो अमरबेल कहलाती है। ये अमरबेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, ग्रह प्रवेश के समय पर बहुत कार्य आती है। ये अमरबेल को पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप रूप किसी वृक्ष पर डाल दी जाए वो अपने आप फलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे अमरबेल बिना पानी पड़े भी
किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए, पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है। ऐसे हमारे घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमर बेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दो। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना कर कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करें। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज, घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज, ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, ये 5 दिन की पूजन है पूरी पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का। आज धनतेरस से, रूप 14, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर, माँ भगवान शंकर का अनुमोदन कर, हे माँ आप हमारे घर में विराजमान हो, माँ आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो, माँ। हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं, उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए। मारे एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करिए, एक दीप वहां पर भी रखा जाए, जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में। फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर, मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ, तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया लगाएगा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा। माता का स्मरण, माता लक्ष्मी से निवेदन करो, हे माँ कृपा सागर, करुणा सागर, माँ आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो, माँ ऐसी कृपा कर दी। महाराज, माँ से विनती कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान, आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए।
उसका भी पूजन। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ, नारायण प्रभु क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा। ऐसी है माँ धन्वंतरी की पूजा।